जो कोर्ट ने कहा है उसमें से दो लाइनें सिर्फ मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप पहुंच जाइए वापस रामलीला मैदान में। और आशुतोष जी सुनिए कोर्ट ने आज क्या कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ऑब्जर्व कि जो भी मटेरियल कलेक्ट किया गया है ईडी द्वारा वो ये साफ दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची, कंस्पायर्ड एंड वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। न सिर्फ साजिश रची बल्कि वो एक्टिवली इस मामले में सराबोर पाए गए या जो भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसमें वो। यूज एंड कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यूज एंड कंसीलमेंट यानी इस्तेमाल में भी जो इस अपराध से जो पैसा आया, जो फायदा आया उसके इस्तेमाल और उसको छिपाने दोनों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, यह आज कोर्ट ने कहा है। आज रामलीला मैदान में अपने आप को समझिए, फिर आप इस पे क्या कहते हैं आशुतोष। रामलीला मैदान की याद तो अरविंद केजरीवाल को दिलानी चाहिए, आप मुझे क्यों दिला रही हैं? आप मुझे दिला रही हैं तो आप मुझे क्यों फंसा रही हैं इस पूरे मामले में? फंसा नहीं रही, देखिए कि आप बोले कुछ। अंजना जी, अगर मैं पहले दिन से ये इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल इज रॉन्गली एडवाइज्ड बाय हिज लीगल टीम। लेट मी रिपीट इट अगेन, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल हैज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड बाय हिज लीगल टीम और किसी ने इस पूरे केस को सबटाज किया है अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए। आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। आज की तारीख में जब उनको पहला समन मिला था उसी वक्त ईडी के पास जाना चाहिए था। आप 9 समन आपने इवेट किया, आप तो सबको जानते हैं कौन कर रहा होगा। आशुतोष जी कुछ तो बताइए। हाँ। आप तो एक एक आदमी को वहां जानते हैं अंदर बाहर। नहीं, कौन कर रहा? अगर ये साजिश है तो कौन फंसा रहा है उनको? नहीं मैं कह रहा हूं कि अब मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से आपके सामने बातों को रख रहा हूं। जब आपने 9 समन्स इवेड किए उसी वक्त गिरफ्तारी इनएविटेबल हो गई, वो अपने आप इबारत लिख दी गई कि अब आपकी गिरफ्तारी तय है। इस पूरे मामले में आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को लड़ाई इस पर लड़नी चाहिए कि कोर्ट से जाके वो अपनी बेल एप्लीकेशन करते और बेल के लिए डिमांड करते, बजाय बेल की डिमांड करने के वो अपनी गिरफ्तारी को इलीगल करार करने के गए। इतना बड़ा केस है, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी तो पूरा केस ही नीचे गिर जाएगा, तो ईडी तो उसको डिफेंड करेगी करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अब आप करें हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, इस हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अदालत सिवाय सुप्रीम कोर्ट के वो सोचेगी भी नहीं कि इनको हम बेल दे दें, सोचेगी भी नहीं। और जो और ये माफ करिएगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, संजय सिंह के मामले में ऑब्जर्वेशन था, मनीष सिसोदिया के मामले में ऑब्जर्वेशन था, ये कोर्ट का ऑर्डर का हिस्सा है। ये क्या कहा है? आप साजिश करता है, आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया है, आपने किकबैक लिया है और आप जो चुनाव का बहाना बता रहे हैं वो गलत है। जो अप्रूवर की बात आपने की है उस पर कोर्ट ने बहुत गहरा संज्ञान लिया है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट की नजर में अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, जो पैसे आए उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ और किकबैक लिया गया। अब इसमें जो सबसे गंभीर बात है मैं आपको बता दूं, जब कोर्ट यह कहता है कि आप नेशनल कन्वीनर के हैसियत से भी आप इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता और एक पार्टी की मान्यता दोनों ही खतरे में पड़ने जा रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लीगल बैटल था उसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए था, जो पॉलिटिकल बैटल था उसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना चाहिए था। आज के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की जो पार्टी की मान्यता है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता है, वो भी खतरे में पड़ गई है। तो ऐसा ब्लंडर कोई बड़ा वकील नहीं कर सकता, जो जानते हैं अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इनको जाके अब अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए तो बड़ी बात है, हाई कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। आशुतोष जी, अभिषेक मनु सिंघवी है इनके वकील, क्या इशारा कर रहे हैं आप? मैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वकील जो क्लाइंट होता है उनके कहने पे चलता है, वकील अपनी राय देता है कि हमको ये रणनीति लेनी चाहिए, ये रणनीति लेनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, इस तरीके से लीगल मूव करना चाहिए, लेकिन अंततः तो बात क्लाइंट की होती है, क्योंकि वकील तो क्लाइंट की तरफ से लड़ता है ना।
तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी आखिरी सवाल है, फिर मैं आ रहा हूं लोगों के पास, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला है, इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, माफ करिएगा मैं बहुत कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना बहुत 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 मुश्किल हो गया है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो इसलिए क्योंकि आज ही 13 साल हो रहे हैं, अन्ना आंदोलन आज खत्म हुआ था 9 अप्रैल 2011, पूरे 13 साल हो गए, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को, आपको खास तौर पर आशुतोष जी, रामलीला मैदान ले जा रही थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आखिरी सवाल नहीं, ये अंजना, ये रामलीला मैदान की बात नहीं थी, ये बात थी जंतर मंतर की, जो पहला आंदोलन हुआ था, जो पहला आंदोलन हुआ था, ठीक है, जंतर मंतर ही। हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और वर्ल्ड कप जीतने के बाद पूरे मुंबई में वो गाड़ी घूमी थी और उसके बाद जंतर मंतर का आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, जंतर मंतर ही चलते हैं, तो जंतर मंतर चलिए मेरे साथ। मेरा सवाल दरअसल एक नैतिकता वाला सवाल है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी की, क्या उनको कोई साबोटाज कर रहा है, क्या कोर्ट ने कहा जेल से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, ये मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नैतिकता की धुरी पर आज ये पार्टी कहां पर दिखाई देती है आपको, अगर आप जंतर मंतर पर खड़े हो? देखिए, जिस दिन पहला समन अरविंद केजरीवाल को मिला था, उस दिन इनको छाती चौड़ी करके कहनी चाहिए, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं ईडी के दफ्तर पहुंच रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करिए। जिस दिन आप ये मॉरल स्टैंड ले लेते, उस दिन ईडी को और सरकार को भी गिरफ्तार करने में 10 बार सोचना पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मॉरल कैपिटल थी वो बहुत हाई है। इस मैं आज भी मानता हूं इस देश में उनकी जो मॉरल कैपिटल है वो दूसरे बहुत सारे नेताओं की तुलना में ज्यादा है। तो जब पहली बार आपको ईडी का संबंध मिला, उसी वक्त कहना चाहिए था मैं ईडी से नहीं डरता, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ईडी का कोई डर नहीं, मैं ईडी के सामने पेश हो रहा। आपको याद होगा शरद पवार ने जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ईडी ने उनको नोटिस भेजा, शरद पवार ने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं ईडी के दफ्तर में, और ईडी की हालत खराब हो गई और उसने चुनाव का रुख बदला। वहां पर आप लगातार वेट करते रहे, किसके कहने पर आपने वेट किया? अगर उनका फैसला था तो भी गलत था, अगर किसी और का फैसला था तो भी गलत था। इसलिए मैं कहता हूं मुझे इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आता है, या तो रॉन्गली एडवाइज है या किसी ने उनको बहुत करीने से जो है किया है। जैस्मिन शाह साहब वो कह रहे हैं किसी ने साजिश षड्यंत्र पार्टी में ही कर दी है, वरना अरविंद केजरीवाल जो बार बार ईडी के समन से भागते रहे, उन्होंने खुद अरेस्ट का ग्राउंड तैयार किया। और हाईकोर्ट के आज के इस कमेंट के बाद उनका कहना है कि उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आशुतोष जी से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी ईडी के समन्स को इवेड नहीं किया, उसको गैरअंदाज नहीं किया, हर समन्स का डिटेल में लीगल रिस्पॉन्स भेजा है और चैलेंज किया है कि ये समन्स लीगल क्यों नहीं है, इलीगल समन्स है। देखिए, ईडी भी देश के संविधान के अंदर आता है, ईडी बुला दे और आपको जाना वो जरूरी नहीं, आप सवाल पूछ सकते हो। और ये सारा मैटर ईडी खुद कोर्ट लेके गई थी अपने खुद समन्स को लीगल प्रूव करने के लिए, और कोर्ट ने क्या कहा अंजना जी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके पक्ष में अभी जजमेंट नहीं दूंगा, मैं दोनों को सुनूंगा। तो कोर्ट ने ये मैटर सब ज्यूडिस रख दिया था, और इस सारी चीजों के दरमियान ईडी जाके एक रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको उठा ले जाती है। तो मेरे ख्याल से आशुतोष जी को इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत से कॉपरेट करते आ रहे लीगल प्रोसेस, सीबीआई ने लीगल समन्स भेजा तो वो गए थे, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, सारे सवालों का जवाब दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बोला था कि इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लो, हम तैयार हैं। तो सवाल ये है कि आप देखिए, मैं एक टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट कर ले, वो मैं एक सिर्फ एक लाइन में। जो भी ऑब्जर्वेशन आज कोर्ट में जज ने कहे हो, इसका आधार केवल और केवल 3 फर्जी गवाह हैं जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा के साथ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई तथ्य। अब जैस्मिन जी, सबसे पहले तो जो ईडी के समन्स होते हैं वो लव लेटर्स नहीं होते, उनका जवाब नहीं दिया जाना होता, उनको अटेंड करना होता है। समन आया है तो आप तो आम होने की बात करा करते थे, ये खास आप कब से हो गए कि ये समन पे भी नहीं जाएंगे? जवाब में दिया करते थे विपाशना करने जा रहा हूं, ये आप आम आदमी थे। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे सब अप्रूवर्स पलट गए, गवाह बहुत पलट गए, वही सब कुछ है। अरे हिंदी के शब्दकोश में पलट के पर्यायवाची में अरविंद केजरीवाल आ गया है, जितना आप पलटे उतना तो पूरी दुनिया में कोई नहीं पलटा। और आप पलटने की बात करते हो, बच्चों की कसम खाता हूं कभी गठबंधन नहीं करूंगा, ये राम का मंदिर तो कभी मस्जिद को तोड़ करके नहीं बन सकता, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, क्या क्या नहीं कहते थे। आजकल तो लोग कहने लग गए उसने वादे किए थे बहुत, आदमी केजरीवाल ही होगा। ये हालत जिनकी हो वो आज पलटने की बात कर रहे हैं आपके खिलाफ।